Hello students, today we will start the electric current and its effect of class 7. First, our topic is electric circuit. जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम भी बोल सकते हैं ऐसा पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से फ्लो होने देता, ऐसा क्लोज पाथ। अगर ये कहीं से भी बीच में से ब्रेक है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो हम इसको बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड रिटर्निंग टू द अदर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ऐसा पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से फ्लो होने देता है वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये तो है इलेक्ट्रिक सर्किट अ पाथ, पर इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए हमें और क्या क्या चीजें चाहिए। सिर्फ वायर से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें चाहिए होता है सेल, बैटरी या जो भी हम यूज करना चाहते हैं। अगर हम छोटा सा एलईडी जलाना चाहते हैं तो सेल से भी काम चल जाएगा, या फिर अगर हम कोई एक ऐसा कोई बड़ा सा या हम बोलते हैं बल्ब जलाना चाहते हैं तो हमें बैटरी चाहिए होगी। स्विच चाहिए होंगे, स्विच इसलिए ताकि हम अपने अकॉर्डिंग हम जब चाहें हम करंट के फ्लो को बंद करवा सके, हम जब चाहें करंट के फ्लो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें एक स्विच चाहिए होगा ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगे और एक ऐसा जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज करना चाहते हैं, बल्ब है, फैन है, कुछ भी जो चीज हम यूज करना चाहते हैं वो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहिए होगा। तो इतने सारे कंपोनेंट से मिलकर इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी के थ्रू करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब इतने सारे सिंपल जो कि हम बोल रहे हैं हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहिए, इसको अगर हम देखें तो अगर हम इसको कॉपी पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो अगर हम एक एक बल्ब बनाने बैठेंगे या स्विच या फिर सेल या बैटरी का डायग्राम तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इतने सारे कंपोनेंट बनाने। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट हमें इजी दिखे जब हम ड्रॉ करें या बुक्स में हम जब देखते हैं तो उनके लिए कुछ सिंबल बनाए गए। तो अब नेक्स्ट सर्किट डायग्राम एंड सर्किट सिंबल। ठीक है, इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक सेल को ड्रॉ करने के लिए हम दो पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं, स्ट्रेट पैरेलल लाइन जिसमें से एक की लेंथ दूसरे से ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि सेल में हमेशा एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हम दोनों की लेंथ सेम रखेंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पॉजिटिव है, तो इनमें डिफरेंट करने के लिए इन दो पैरेलल में से एक को बड़ा और एक को छोटा बनाया जाता है। जो बड़ा वाला साइड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी सिर्फ बैटरी कह सकते हैं हम। ये क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो कार वगैरह में यूज होती है इलेक्ट्रिक बैटरी, उसमें वो कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन होती है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमने बोला है कि सेल का कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा सेल। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर दो सेल है तो एक और दो, ये साइन होगा बैटरी का। इसमें पता लग रहा है कि एक सेल है, ये एक बड़ी लाइन छोटी, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, तो ये हो जाएगा बैटरी जो कि कितने सेल का कॉम्बिनेशन है, दो। अगर हमें तीन का बनाना है तो एक दो और ये तीन सेल का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम बैटरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, जितने ज्यादा सेल जितने हमें सेल उसमें ऐड करने हैं हम उन्हें उतने ही सिंबल से आगे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे ना करें कि हमने पॉजिटिव से शुरू किया और उसे किसी भी तरह से पॉजिटिव पर एंड कर दिया। कभी कभी ऐसी गलती भी हो जाती है, तो अगर आप ऐसा सिंबल बनाते हैं तो ये गलत हो, क्योंकि इसमें आपने पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, करंट कहाँ फ्लो होगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एकदम गलत हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्विच। स्विच काम आते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए। जब हम चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाए, जब हम चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद। तो स्विचेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हम बना सकते हैं एक तो इस तरह से ब्रैकेट के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है स्विच ऑन और ऑफ के लिए काम आता है। तो अगर इस तरह से बना हुआ है तो ये कहलाएगा ऑफ, और अगर इसी को हम ऐसे बना के इसके बीच में एक डॉट शो कर दें तो ये वाला स्विच कहलाता है ऑन कंडीशन। इसको तो हम बोलते हैं ऑफ और ये है ऑन।
ठीक है, इसके अलावा स्विच को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है इस तरह से दो लाइन्स। अगर ये इस तरीके से है, मतलब ये डॉट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो वो कनेक्ट नहीं है तो ये ऑफ होगा, और अगर ये इस तरीके से बना दिया जाए तो वो होता है ऑन। ठीक है, ये स्विच के लिए। नेक्स्ट, बल्ब। बल्ब को हम कैसे बनाते हैं? बल्ब को बनाने के लिए सिंपल इस तरीके से एक लूप बनाते हुए और फिर उसको उसके ऊपर एक सर्किल, ये है बल्ब का साइन। इसमें ये जो लूप है, ये हम बोल सकते हैं कि फिलामेंट के लिए शो किया गया है। ठीक है, फिलामेंट इस तरीके से बनाया जाता है, इसलिए इसे हम बल्ब का साइन। सिंपल, अगर हम कंडक्टिंग वायर बनाना चाहते हैं, कंडक्टिंग वायर हमें पता है इनके बिना तो सर्किट का कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन सब बल्ब, स्विचेस या सेल हम जो बना रहे हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, कंडक्टिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो हो। कंडक्टिंग इसलिए कहते हैं, कंडक्ट जो अपने इससे करंट को फ्लो होने दे। कंडक्टिंग मटेरियल मेटेलिक मटेरियल होना चाहिए। अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल ले लेते हैं, रबड़ या ऐसा जो अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता, तो फिर ऐसा वायर हमारे किसी काम का नहीं है। कंडक्टिंग वायर, इसको शो करने के लिए सिंपल एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अमीटर। सबसे पहले तो अमीटर होता क्या है? अमीटर होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के लिए, कितने अमाउंट में फ्लो हो रही है। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। इट्स एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे कि हम बोलते हैं मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। पर सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रही है, कितने अमाउंट में, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसको मेजर करने के लिए अमीटर का यूज होता है। लिख सकते हैं फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो सिंपल एक सर्किल में कैपिटल, मतलब एम्पियर, अमीटर करंट को मेजर करने। सेम ऐसे ही होता है वोल्ट मीटर। जानते हैं कि सर्किट, जब हम सर्किट वर्क करता है तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, या जो भी कितने वोल्ट का है। हम बोलते हैं बल्ब की, हाँ ये बल्ब है 100 वोल्ट, तो उसको मतलब वो कितना वोल्टेज पे करंट फ्लो हो रही है, इसको मेजर करने के लिए, वोल्ट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो इसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको शो करने के लिए सिंपल एक वही सर्किल और उसमें कैपिटल। तो इस तरीके से ही कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं तो उसमें हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि बल्ब बना रहे हैं तो पूरा बल्ब बनाने लग जाएं, हमें एक सिंबल यूज करना है ताकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखकर हमें एक सिंपल सर्किट का फॉर्म दिखे। जैसे कि अगर एक सिंपल सर्किट में यहाँ पर बनाना चाहूँ, तो हम एक सिंपल सर्किट कैसे बना सकते हैं? हमें एक सर्किट में बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक तो सेल जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, सेल, या फिर अगर आपको बल्ब, हम बोले बल्ब ग्लो करवाना है तो आप, हम बैटरी ले लेते हैं। ठीक है, ये बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल। इसके बाद एक, इससे हमने दो वायर्स, इसके पॉजिटिव से एक वायर लिया और उसको हमने कनेक्ट किया स्विच से, और फिर आगे उसको हमने उससे स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट किया और उसे हमने कनेक्ट किया बल्ब, और फिर बल्ब से दूसरा वायर जो निकाला वो हमने बैटरी के दूसरे वाले वायर से कनेक्ट। तो इस तरीके से हम एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। अभी जो स्विच बनाया है ये यहाँ पर ऑन नहीं है, ऑफ स्टेट में है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, ऑन करने का मतलब जैसे कि इस तरीके, तो ऑन करते ही इस सर्किट में से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, इसलिए हमने कोई एरो नहीं बनाया। जब भी आप बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप सर्किट बना रहे हैं और स्विच ऑन है, तो आपको उसमें इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करना है, वो जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, इस तरीके से।
ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निकलते टाइम आपने बना दिया इधर से, जितनी करंट पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगी उतनी ही करंट बैटरी के नेगेटिव में जाएगी, ये जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आप सर्किट बना रहे हैं और स्विच ऑन है तो आप उसमें करंट को जरूर मेंशन करें, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने कुछ सिंबल पढ़े, अब हम देखते हैं, हमने सर्किट के बारे में पढ़ा तो हम अब देखते हैं सर्किट के टाइप्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो अभी हमने पढ़े इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और सेकंड इज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट में डिफरेंस है, कंपोनेंट हम वही यूज कर रहे हैं, पर जैसा अभी हमने यहीं पर एक सिंपल डायग्राम बनाया था तो इसमें हमने बोला था कि यहाँ पर स्विच ऑफ है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है इसका मतलब कि करंट को कोई पाथ नहीं दे रहा है, तो ये करंट के लिए ओपन सर्किट कहलाएगा, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि करंट का फ्लो नहीं हो। अगर हम सेकंड वाले डायग्राम को देखें तो ये वो सर्किट है जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, यानी क्लोज पाथ फॉर्म कर रहा है। हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन भी किया था कि अ क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्लोज पाथ है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, यहाँ से भी कनेक्ट है, तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे क्लोज सर्किट। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज एन ओपन सर्किट, व्हाइल एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली इज नोन एज क्लोज सर्किट। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में जब हम बात करें तो इसमें बल्ब ग्लो करेगा जबकि इसमें नहीं। ठीक है, अब ये तो थे इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप। अब इतनी देर से हम ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट, हम बार बार नाम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट एक्चुअली बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होती है, हम जानते हैं कि जो जब भी हम कोई भी मेटल होती है, मेटल हमेशा जो करंट होती है वो मेटल में से ही पास होती है। आप जानते हैं कि रबर या फिर दूसरे इंसुलेटर होते हैं, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर, प्लास्टिक, रबर, दे आर इंसुलेटर, तो इनमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती जबकि मेटल में से होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं एक्चुअली बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का रीजन होता है चार्ज का फ्लो होना, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। ना एटम्स भी पड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर ऑर्बिट्स, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हम बोल रहे हैं कि इंसुलेटर यानी प्लास्टिक, रबर, वुड, इन सब में इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इन सब में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो फ्रीली मूव कर सके, जबकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें, जैसे कॉपर है, उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और वो क्योंकि फ्री है तो इसलिए क्योंकि वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक रीजन ही यही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। ठीक है, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए उसमें से फ्लो नहीं किया, पर कंडक्टर में है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा होंगे, जब आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, जब ये मान लिया कोई मेटालिक कंडक्टर है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो है, अभी भी है फ्रीली मूव करने के लिए, तो अभी क्यों नहीं करें? क्या ऐसा होता है कि कभी हमने देखा है कॉपर की कोई शीट रखी और उसमें से अपने आप ही बिना कोई बैटरी को कनेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रही है? नहीं होता। जब तक आप उसे सेल से नहीं कनेक्ट करोगे उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? एक्चुअली जब मेटल ऐसे रखा हुआ है उसमें भी है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें भी मूव कर रहे हैं, लेकिन वो रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में जैसे कहीं पर भी zigzag पाथ में मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, है तो सभी फ्री लेकिन अलग अलग डायरेक्शन। जैसे ही आप इस मेटल को बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हो, इसके एक टर्मिनल को पॉजिटिव और दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट, ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाना चाहेंगे? ये जाना चाहेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो इन सबका जो टेंडेंसी होगा जाने का वो इस तरफ होगा। अब ये रैंडम मूव नहीं करेंगे, ये इधर की तरफ जाना चाहेंगे। जब ऐसा होता है, क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मिल गई है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेंगे? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ और करंट जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
तो करंट का बेसिक रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण। मेटल ऐसे सिंपल रखी हुई, इसमें से क्यों नहीं फ्लो रही? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडमली था, पर जैसे आपने मेटल को बैटरी से कनेक्ट किया तो अब इलेक्ट्रॉन सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहें, ये सब तो एक्सप्लेनेशन था, अब उसको हम पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलना चाहें तो क्या उसका होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, रेट इस वर्ड का क्या मतलब है कि किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। इन अ कंडक्टिंग, इसके आगे आप ऐड कर सकते हो कि इन अ कंडक्टिंग वायर, क्योंकि इंसुलेटर में तो फ्लो होगा नहीं, कंडक्टिंग वायर। तो अगर हम करंट का, हम करंट को एक्चुअली करंट का जो सिंबल होता है उसको हम क्या लिखते हैं, इट्स सिंबल इज कैपिटल आर। करंट को जब भी आप कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी लिखना चाहते हैं तो उसका एक सिंबल देते हैं, करंट का सिंबल होता है आई, इसे आई से लिखा जाता है। थर्ड, इसके जो फॉर्मूला अगर बनेगा तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किस चार्ज से, किस रेट से फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में कंडक्टिंग वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी कि सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो, क्योंकि हम जानते हैं करंट को आई से लिखते हैं, चार्ज को किसे लिखते हैं, चार्ज बेसिकली क्यू से लिखा जाता है और टाइम को लिखते हैं टी से। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन, किसी भी चीज की अगर आपको यूनिट निकालनी हो, वैसे तो मैंने अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। यूनिट, यूनिट क्या चीज होती है, यूनिट वो जिसमें कि हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देती हूँ सिर्फ 27, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वॉट इज 27, क्या चीज बताना चाहते हैं हम। पर जैसे ही मैं इसके आगे लिख देती हूँ 27 एम्पियर, और आपको पता है कि हाँ ये एम्पियर क्या है, तो आप बता सकते हो अच्छा 27 एम्पियर की बात हो रही है, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट बहुत जरूरी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम बात करते हैं करंट की यूनिट क्या होती है। एक्चुअली अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो आप उसके फॉर्मूले पर जाएं। करंट का फॉर्मूला है क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। सबसे पहले इसको हमें निकालने के लिए हमें क्यू यानी चार्ज का यूनिट पता होना चाहिए। चार्ज इज मेजर्ड इन कोलम्ब और टाइम इज मेजर्ड इन बेसिकली सेकेंड इन ऐसा यूनिट। सो कोलम्ब पर सेकेंड मीन्स कोलम्ब का सिंबल सी और सेकेंड का एस, तो सी पर एस यानी कोलम्ब पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट, और इसी कोलम्ब पर सेकेंड को ही नाम दिया जाता है एम्पियर। यानी कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे मैं 27 एम्पियर लिखूं या फिर मैं 27 कोलम पर सेकेंड लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही चीजें करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन करें कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी किसी भी वायर में से। सिंपल है, अभी अभी हमने बोला कि जो चार्ज होता है, जो 1 एम्पियर है, इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉलम पर सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर वैल्यू कब आएगी करंट की, जब चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा 1 कॉलम का, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन 1 कॉलम चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी 1 एम्पियर। तो एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में से 1 कॉलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो द करंट फ्लोइंग दैट कंडक्टिंग वायर थ्रू दैट कंडक्टिंग वायर विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। और कितना अमाउंट में फ्लो हो रही है, इसको हम सर्किट में मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर, ठीक है। यह था इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमने ओपन और क्लोज सर्किट पढ़े, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कब इलेक्ट्रिक सर्किट, कब किस तरीके से कौन सा बल्ब जल रहा है। कभी कभी बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में भी, जैसे एक बैटरी हम बोल देते हैं एक सेल ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक की लगी हुई है, इसके बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा है और आगे एक और बल्ब हमने लगाया हुआ है, एक की यहाँ पर भी लगी हुई। मान लिया हमने इस की को नाम दे देते हैं हम K1, क्योंकि दो हो गई है तो हम दो K2, और इसको बोल देते हैं बल्ब B1 और B2। अब इस तरह के क्वेश्चन को एक्चुअली सबसे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्वेश्चन है क्या, हम पूछना क्या चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं जैसे घर में भी बहुत सारे स्विच होते हैं,
कब कौन सा स्विच ऑन करने पर कितने बल्ब जलेंगे, ये हमें आंसर करना आना चाहिए। कैसे? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम हमें दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि हमेशा करंट जो होती है वो कौन से पाथ से फ्लो होगी, क्लोज से। अगर कहीं से भी पाथ बीच में से ब्रेक है कहीं से भी, तो करंट उस पाथ पर जाएगी ही नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन है पहला, इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं ये बोल दूँ कि सिर्फ K2 की ऑन है, मैंने सिर्फ एक की को ऑन किया हुआ है और K1 को ऑफ कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बताइए कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, विच बल्ब विल ग्लो, B1 और B2 और बोथ और नन ऑफ देम। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो हमें पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये बोल रहा है K2 ऑन है, अगर ये ऑन है तो इसका मतलब ये इस ब्रांच में से, मतलब इस यहाँ से सर्किट कहीं भी ब्रेक नहीं है। इस ब्रांच में अगर हम बात करें, हम सबसे पहले B1 वाले बल्ब की तरफ ध्यान देते हैं, और स्टार्ट कहाँ से, हमेशा करंट कहाँ से जाएगी, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो करंट यहाँ से आकर पॉजिटिव से इस ब्रांच में, अगर हम देखें इस पूरे पाथ की तरफ ध्यान देते हैं, जो B1 वाला पाथ हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव पर ही कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है कि हाँ भाई पॉजिटिव से करंट आई और B1 को जला दिया और बस खत्म, ऐसा नहीं। जब तक वो करंट पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक नहीं पहुंचेगी तब तक बल्ब नहीं जलेगा। अब वो पहुंचेगी कि नहीं ये डिपेंड करता है सर्किट कहीं पर ब्रेक है या नहीं। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से करंट निकल रही है और हम इस पूरे क्लोज पाथ की बात करते हैं, तो क्या ये सर्किट, ये वाला पाथ क्लोज है? क्या इसमें से करंट जाएगी? नहीं। क्यों नहीं जाएगी? ठीक है, यहां तक तो ये कहीं ब्रेक नहीं है, ये पूरा कनेक्टेड, पर K1 हमने बोला कि ऑफ है, तो इसका मतलब सर्किट बीच में से क्या है, ब्रेक। तो ये पक्का हो गया कि करंट इस पाथ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक कंप्लीट ही नहीं है, और करंट के फ्लो होने के लिए सर्किट शुड बी कंप्लीट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि नहीं उसमें क्या हुआ, ये ऑफ है तो करंट तो यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगी, B1 को जलाया और बस चली गई, ऐसा नहीं है। B1 को नहीं जलाएगी जब तक कि वो पूरा पाथ कंप्लीट ना हो। किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगी जब वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जाएगी। अब ये ब्रेक है तो यानी B1 तो नहीं जल पाएगा, तो B1 क्या रहेगा इस कंडीशन में, ऑफ। अब हम B2 की बात करें तो सेम वही वही हमारा कंसेप्ट, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक पूरा B2 के थ्रू होते हुए यहाँ तक जाना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक सर्किट कहीं ब्रेक नहीं है, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है क्योंकि K2 हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर भी कहीं ब्रेक नहीं है, पर वापस से वही K1, यानी कि अब दोबारा से करंट इस ब्रांच में से भी नहीं जा सकती क्योंकि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक का सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि B2 भी ऑफ ही रहेगा, ग्लो नहीं करेगा। ये सेम हम ऐसी भी कंडीशन बोल सकते हैं, अगर हम इस सर्किट को कंपैरिजन करें, अगर आप ध्यान दें तो आपके घरों पे एक मेन स्विच होता है और ये K1 उसी मेन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप उस मेन स्विच को बंद कर दो जाके, ये K1 हमने बंद कर दिया है, तो घर में कितने ही स्विचेस को आप ऑन कर दो कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी उससे जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा क्योंकि आपने तो मेन स्विच ही बंद कर दिया है। जब वही बंद है तो कोई भी सर्किट, कोई भी पाथ कंप्लीट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। अब इसी पार्ट में मैं ये पूछना चाहती हूँ, बी हमारा क्वेश्चन है कि मान लिया मैंने अब K1 को कर दिया ऑन और K2 को कर दिया ऑफ, अगर ऐसा है तो कौन सा बल्ब जलेगा? वही चीज, हमें वही चीज देखना है कि करंट फ्लो पूरे पॉजिटिव से नेगेटिव तक होती है कि नहीं। सबसे पहले हम इस ब्रांच की बात करते हैं जिसमें B1 है, तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो करंट के लिए कोई भी पार्ट ब्रेक नहीं है और K1 भी ऑन कर दिया है, तो यानी करंट पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगी, यानी करंट विल फ्लो थ्रू B1। सो इस केस में B1 क्या होगा, वो ग्लो करेगा। पर B2 की बात करते हैं, अब अगर हम B2 की बात करें तो इस ब्रांच में जब करंट यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो इसका पाथ पूरा ठीक है, पर यहाँ पर आते ही फिर गड़बड़ हो गई क्योंकि इस बार हमने K2 को क्या लिया है, इस बार हमने K2 को ऑफ कर दिया है, और K2 को ऑफ कर दिया है तो करंट के लिए ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब करंट नहीं जा पाएगी, तो यानी कि B2 क्या रहेगा, ये इट विल नॉट ग्लो, ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको करने के लिए सिर्फ एक ही चीज माइंड में ये ध्यान रखनी है कि जब भी करंट जाएगी तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक पूरा ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि आगे से सर्किट ब्रेक है, करंट यहाँ से पीछे से आई और एक बल्ब को जलाया और वापस लो,
ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए, और वो भी क्लोज पाथ कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव टू नेगेटिव, द क्लोज पाथ शुड कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके।